अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश की बुक देखिए, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, अ बुक ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन। आप सभी के कोर्स में ये बुक आई होगी क्लासेस, तो ग्रामर की बुक ओपन करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें अपना पी ए फर्स्ट का सिलेबस एक बार चेक करते हैं कि हम लोग को पी ए फर्स्ट में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग मेरे साथ यहाँ कंटेंट्स में चेक करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पी ए फर्स्ट में जो चैप्टर कंप्लीट करने हैं वो है हमारे चैप्टर्स, पहले मैं बताती हूँ। लेसन नंबर 1 रिलेशंस, लेसन नंबर 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेसन नंबर 3 सीजन्स मंथ डेज एंड टाइम, लेसन नंबर 4 ग्रीटिंग्स कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एथिक वर्ड्स, लेसन नंबर 5 एंटोनियम्स, लेसन नंबर 6 सिनोनियम्स, लेसन नंबर 7 होमोफोन्स, देन लेसन नंबर 8 रोमन नंबर्स। ये हमें 8 चैप्टर जो हैं वो अपने पी ए फर्स्ट के लिए कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, लेसन नंबर 1 रिलेशन, लेसन नंबर 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेसन नंबर 3 सीजन मंथ डेज एंड टाइम, और लेसन नंबर 4 ग्रीटिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एथिक वर्ड्स। ठीक है, ये हमें 4 चैप्टर जो हैं वो आज हमें अपने पार्ट नंबर 1 में पढ़ने हैं, ये 4 चैप्टर। ये बाकी के जो 4 चैप्टर होंगे वो हम अपने पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो हम अपने पी ए फर्स्ट के सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे, वन टू फोर, और पार्ट 2 में हम कहाँ से पढ़ेंगे, लेसन 5th to 8th तक। ठीक है, तो चलिए हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर आ जाइए पेज नंबर थ्री पर हम लोग का लेसन नंबर 1 है। लेसन नेम है यहाँ रिलेशंस। सबसे पहले यहाँ पर सभी को डेट शो करनी है। ठीक है, यहाँ पर पार्ट लिखना है, पार्ट नंबर 1। रिलेशंस किसे कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं संबंध, यानी कि हमारे जो भी जितने भी रिलेशंस हैं, संबंध हैं एक दूसरे से, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेशंस कहलाते हैं। जैसे कि अंकल हैं हमारी, मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट फादर हैं, डॉटर सन, अंकल आंट, वाइफ हस्बैंड। ठीक है, ये सभी क्या हैं, नेफ्यू नीस, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और ब्रदर सिस्टर, ये भी जितने भी रिलेशंस हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सब संबंध हैं, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, हम रिलेशंस के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट गिवन है, देखिए आंट, चाची, ताई या मौसी, ब्रदर किसे कहते हैं, भाई, ब्रदर इन लॉ, साला, बहनोई, कज़िन, मौसेरा या ममेरा या चचेरा भाई। कज़िन में हमारे यानी मामी का, खाला का बेटा भाई बेटी हो, या मामा का बेटा बेटी हो, या चाचा का बेटा बेटी हो, भाई और बहन दोनों हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं, कज़िन, यानी कि चाहे वो चाचा की बेटी बेटे हो या बेटी हो, वो भी हमारे कज़िन हैं। मामा के बेटे बेटी को भी हम कज़िन कहते हैं, और खाला के भी, इसी तरह से ताया के भी। ठीक है, तो मौसेरा यानी खाला, ममेरा यानी मामा का, और चचेरा यानी चाचा का। तो ये तीनों के जो चाइल्ड्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कज़िन्स। ठीक है, नेक्स्ट है डॉटर। डॉटर किसे कहते हैं, पुत्री यानी कि बेटी, डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू यानी कि बहू, फादर पिता, फादर इन लॉ ससुर, ग्रैंड फादर दादा या नाना, ग्रैंड मदर दादी और नानी, ग्रैंड डॉटर पोती या दोहती, यानी कि नानी की जो बेटी की बेटी हो वो, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी और नाना नानी। नेक्स्ट है इसमें ग्रैंड सन, पोता या दोहता, यानी कि पोता या फिर नानी के बेटी का बेटा, हस्बैंड का पति, मदर माता, मदर इन लॉ सास, नेफ्यू का है भतीजा या भांजा, नीस का है भतीजी या भांजी। नेफ्यू यानी भतीजा होगा अगर तो वो हमारा नेफ्यू कहलाएगा, और भतीजी होगी तो वो हमारी नीस, और भांजा होगा तो भी हमारा नेफ्यू कहलाएगा, और भांजी होगी यानी लड़की के लिए हम नीस यूज़ करेंगे, लड़के के लिए हम नेफ्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि बहन की लड़की या लड़की हो या भाई की लड़की हो तो वो हमारी कहलाएगी नीस, और बहन का लड़का हो और भाई का लड़का हो तो वो हमारा क्या कहलाएंगे, नेफ्यू। ठीक है, पेरेंट्स किसे कहते हैं, माता पिता, सिस्टर बहन, सन बेटा, सन इन लॉ दामाद, यानी कि बेटी का हस्बैंड। ठीक है, अंकल का है चाचा और ताऊ और मौसा, तीनों को हम अंकल कहेंगे, मौसा यानी कि खालू। वाइफ किसको कहते हैं, पत्नी को। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ हस्बैंड है यहाँ पर वाइफ है। इसी वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, आपको दो क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। फर्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको 1 or 2 वर्ड में इसका आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट है मदर एंड फादर, यानी कि मदर और फादर आपके कौन होते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर पेरेंट्स। मैंने इसको पहले से कंप्लीट किया हुआ है, आप लोग को इसको पहले एक बार समझना है फिर उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सेकंड है फादर्स फादर, यानी कि फादर के फादर कौन हो गए हमारे, ग्रैंड फादर। फादर की मदर कौन हो गई हमारी, ग्रैंड मदर।
फादर्स के ब्रदर कौन हो गए हमारे, यानी कि फादर के ब्रदर यानी कि ताऊ, ताऊ को हमने क्या बताया था, अंकल। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था अंकल, चाचा, ताऊ, मौसा। मदर्स की सिस्टर हमारी हो गई आंट यानी कि मौसी। डॉटर के भाई यानी बेटी का भाई कौन हो गया, हमारा बेटा। फादर की बेटी यानी कि पापा की लड़की कौन हो गई, हमारी सिस्टर। सिस्टर के बेटे कौन हो गए, हमारे नेफ्यू यानी बहन के बेटे। नेफ्यू मैंने यहाँ बताया था, बेटे के लिए बहन के हो या भाई भाई के बेटे हो वो हमारे नेफ्यू कहलाएंगे, और अगर बहन की और भाई की बेटी होगी तो वो हमारी नीस कहलाएंगी। ठीक है, फादर्स की डॉटर सिस्टर, सिस्टर सन नेफ्यू। मदर की फादर कौन होंगी, ग्रैंड फादर, और डॉटर की सन ग्रैंड सन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रदर्स डॉटर नीस और आंट सन कजिन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। बी में देखिए सेम पेज नंबर पर, पेज नंबर 3 पर ही है अभी हम। अनक्रॉम्बल द वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स जो है वो आगे पीछे करके लिखिए इनको आपको, सॉरी अनस्क्रॉम्बल वर्ड्स, यानी इनको आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फादर, FATHER फादर, यानी कि ये वर्ड जो है आगे पीछे लिखे, देखिए FATHER फादर। क्लियर नज़र आ रहा होगा सभी को, देखिए FATHER फादर। ठीक है, इसी तरह से सभी वर्ड्स देखने हैं हमें। सेकंड है इसमें हो जाएगा ब्रदर, BROTHER ब्रदर। थर्ड इसमें हो जाएगा अंकल, UNCLE अंकल। और फोर्थ इसमें हो जाएगा मदर, MOTHER मदर। देखिए क्लियर, करीब से देखेंगे तो हमें क्लियर होगा ज़्यादा। देखिए यहाँ पर MO, क्लियर हो रहा है सबको, MOTHER मदर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 4 पर। तो पेज नंबर 3 पर हमने क्या पढ़ा है, अपना लेसन नंबर 1 रिलेशंस। अब पेज नंबर 4 हम देखते हैं, पेज नंबर 4 पर हम लोग को क्या पढ़ना है, अपना लेसन नंबर 2। ये भी हमारा क्या है, पार्ट नंबर 1 ही है। ठीक है, यहाँ पर सभी को डेट भी शो करनी है अपनी। ठीक है, लेसन नंबर 2 के हम लोग का पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के अंग, पार्ट्स यानी कि अंग, ऑफ यानी के बॉडी यानी कि शरीर, यानी कि शरीर के अंग के बारे में यानी कि पार्ट्स के बारे में, हम जितने भी बॉडी में पार्ट्स, बहुत से पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सभी जानते होंगे आप लोग कौन कौन से हैं, कितने हैं इसमें, जिसमें से कुछ आपको गिवन है। आर्म यानी आर्म है, बैक, पीठ, आर्म किसको कहते हैं, बाह को या भुजा, बैक, पीठ, बोन, हड्डी, ब्रेन, दिमाग, ब्रीस्ट, छाती या स्त्री, चेस्ट, छाती, पुरुष यानी स्त्री की ब्रीस्ट, छाती को ब्रीस्ट कहेंगे, और पुरुष की यानी कि लड़की की ब्रीस्ट, और पुरुष यानी लड़की की चेस्ट, चीक, गाल, चिन, ठोड़ी, ईयर को कहते हैं कान, आई, आँख, ये सब आप लोग जानते होंगे, इसको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह 7th क्लास में तो सभी लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें जो एक्सरसाइज है, लेकिन अगर हमारी बुक में गिवन है तो हमें उसको कंप्लीट करना होगा। तो एक्सरसाइज हमें सिर्फ इसमें 2 एक्सरसाइजेस गिवन है। ए है राइट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, इन पिक्चर्स को पहचान के इनके नेम लिखने। ये है हमारा आई, नोज़, पाम, पाम कहते हैं हथेली को, सिर्फ हथेली थी इसलिए मैंने पाम लिखा है, हैंड नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ना ही कोई फिंगर्स लिखेंगे। फिंगर्स होती तो वो हमें इस तरह से देते, ठीक है, हमें इस तरह से दिया यानी कि हमें पाम बता रहे हैं, अगर वो इस तरह से देते तो वो हमारी यानी कि फिंगर्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, हो गया पाम, ये क्या हो गया माउथ, अगर सिर्फ टीथ होते तो सिर्फ दांत देते, इसमें माउथ हमारा नहीं आता, ये हमारा माउथ है, ना ही लिप्स है, लिप्स होते तो सिर्फ लिप्स आती, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा माउथ यानी मुंह। लेग्स, दो थे पैर, मैंने इसलिए लेग्स लिखा है वरना एक होता तो लेग। हैंड, एक था मैंने हैंड, वरना अगर दो होते तो हैंड्स। टंग यानी जुबान, ईयर यानी के गान। ठीक है, अब ये हमने कंप्लीट करने के बाद बी में क्या कह रहे हैं, सेम पेज नंबर 4 पर ही, चेंज द फॉलोइंग इनटू हिंदी, कह रहे हैं इसको हिंदी में चेंज करिए। अब जैसे चीक है, चीक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखिए चीक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गाल। तो यहाँ पर सभी को क्या करना है, हिंदी में लिखना है, इसको आप लोग खुद से करेंगे। फिंगर को हम क्या कहते हैं, उंगलियाँ कहते हैं, तो ये आप लोग को यहाँ पीछे से देखकर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 है हमारा यहाँ पर, पेज नंबर 5 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 3। यहाँ भी सभी को पार्ट नंबर 1 शो करना है। ठीक है, और यहाँ सभी को डेट लिखनी है अपनी, जब भी आप कोई वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, लेसन नंबर 3 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सीजन यानी मौसम, मंथ यानी कि महीने, डेज यानी कि दिन, एंड यानी कि और, टाइम मतलब समय। ठीक है, स्त्रुतियाँ महीने, दिन और समय। ठीक है, ये जो है ये सीजन है यानी मौसम को कहते हैं स्त्रुतियाँ। ठीक है, ये हमें इसमें अब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है सीजन, सीजन सभी जानते हैं, मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ बस। विंटर है जिसको हम शीत कहते हैं, समर है जिसको हम ग्रीष्म कहते हैं यानी विंटर, सर्दी, श्री, हमें बिल्कुल
शुद्ध एकदम हिंदी में गिवन है ये। नेक्स्ट है इसमें स्प्रिंग, स्प्रिंग हम कहते हैं वसंत, वसंत रेन वर्षा यानी बारिश, ऑटम यानी कि पतझड़, पतझड़ यानी कि जब हमारी ऐसी हवा चलती है जब पत्ते गिरा करते हैं। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट कुछ सीज़न है, विंटर समर स्प्रिंग रेन और ऑटम, ठीक है, फाइव सीज़न है ये, याद होने चाहिए आप लोग को। मंथ नेम सभी को याद होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फाइव सीज़न होगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। 12 मंथ नेम होते हैं, डेज नेम भी सभी को याद होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये क्या होगा हमारे 7। फिर आता है टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम देखिए मॉर्निंग यानी कि प्रातकाल सुबह का वक्त, यस्टरडे बीता हुआ कल जो गुजर चुका हो, डे यानी कि दिन, नून यानी कि माध्यान, टुडे आज, वीक सप्ताह यानी हफ्ता, आफ्टरनून यानी अपराहन यानी शाम, आफ्टरनून यानी कि नून यानी दोपहर के बाद, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे क्या था बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल और टुडे आज, मंथ महीना, इवनिंग सायंकाल यानी शाम, सेकंड सेकंड सभी जानते हैं मिनट टाइम सेकंड, ईयर वर्षा वर्ष यानी कि साल, नाइट रात्रि यानी कि रात, मिनट सेंचुरी शताब्दी, मिडनाइट यानी मध्य रात यानी बीच की रात, मिडनाइट यानी 12 बजे रात के, और मिड डे होगा अगर तो दिन के 12 बजे, ठीक है। आर का मतलब घंटा और मिलीनियम का मतलब सहस्राब्दी। तो ये जो है ये हमारे क्या है टाइम्स है, कितने टाइम्स गिवन है इसमें 1 2 3 4 5 6 और 6 12 और यहाँ पर 6, ठीक है 18 यहाँ पर हमें टाइम्स गिवन है। तो ये सभी को आप लोग को याद करना है, इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में, सेम पेज नंबर 5 पर। ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हमें आंसर देने हैं। तो दो क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी मंथ आर देयर इन अ ईयर, यहाँ कह रहे हैं कि कितने मंथ होते हैं इन अ ईयर यानी कि एक साल में, ईयर मतलब साल, मंथ यानी कि महीने, हाउ मतलब कितने, तो कह रहे हैं कितने महीने होते हैं एक साल में, तो हमें क्या पता था वन ईयर में, एक सेकेंड देखिए वन ईयर में कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 12। सेकेंड है हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, अब यहाँ पर हमसे डेज पूछे गए हैं, डेज कहते हैं दिन और वीक मतलब हफ्ता यानी सप्ताह जिसको कहते हैं हम, वीक का मतलब है यहाँ पर देखिए गिवन है सप्ताह यानी कि उर्दू हम क्या कहते हैं हफ्ता। तो हमसे पूछा गया है कि आ वीक यानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो हमने क्या पढ़े थे यहाँ पर अभी 7, कौन कौन से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है ये तो सबको याद ही होगा। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 5 पर ही, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स मिसप्रिंट है बीच बीच में, इसको हमें सिर्फ फिल करना था। तो फर्स्ट हो जाएगा जनवरी, JANUARY जनवरी, यू ए फिल कर देंगे हम। सेकंड हो जाएगा संडे, SUNDAY संडे, UN फिल कर देंगे। थर्ड हो जाएगा मई, MAY मई, ये फिल कर देंगे हम। TUESDAY ट्यूसडे, ट्यूसडे में ES फिल कर देंगे, ठीक है ये हमारा हो गया पेज नंबर 5। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 भी हमारा क्या है पार्ट नंबर 1 है, ये हमें 4 चैप्टर्स को पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट करना था, ये हमारा लास्ट पेज है पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग अपनी डेट शो याद से कर दिएगा। लेसन नंबर 4 है इसमें, पार्ट नंबर 1 में हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। क्या नेम है, ग्रीटिंग्स कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एटिक वर्ड्स, यानी कि हमें ग्रीटिंग यानी कि नमस्कार, ग्रीटिंग यानी कि जैसे कि हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड नून कहते हैं, थैंक्स कहते हैं, ठीक है, गुड बाय कहते हैं, हैप्पी बर्थडे, ये सभी हमारे क्या हैं ग्रीटिंग्स हैं। और हैप्पी बर्थडे नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस में हमारा क्या है यानी कि बधाई देना, जैसे कि बेस्ट विशेज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ आपको गिवेन है, देखिए यहाँ बता रही हूँ मैं। और एथिक वर्ड्स किसे कहते हैं, शिष्टाचार शब्द, वर्ड्स यानी शब्द। अब हम देखेंगे ग्रीटिंग्स में, पहले देखिए गुड मॉर्निंग 12 बजे से पूर्व यानी कि रात के 12 बजे से जो स्टार्ट होती है रात, वो हमारी क्या है गुड मॉर्निंग। गुड नून यानी कि 12 बजे के आसपास, गुड आफ्टर दोपहर के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद, गुड इवनिंग 5 बजे से सोने के समय तक, यानी कि 5 बजे से शाम के 5 बजे से सोने का जो समय होता है तब तक हम गुड इवनिंग कहते हैं। और गुड नाइट कब कहते हैं, साथ में सोते वक्त। गुड बाय कहते हैं हम, ठीक है, विदा लेते वक्त। तो ये हमें क्या है ग्रीटिंग्स वर्ड्स गिवन है यानी कि नमस्कार यानी कि ग्रीटिंग्स गिवन है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग वर्ड्स में क्या है, बेस्ट विशेज यानी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई, हैप्पी बर्थडे जन्मदिवस की बधाई, बेस्ट ऑफ लक भाग्य आपका साथ है, सेम टू यू आपको भी हैप्पी न्यू ईयर नववर्ष की बधाई। तो ये आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको कॉन्ग्रेचुलेटिंग वर्ड्स गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एथिक वर्ड्स में देखिए, एक्सक्यूज मी प्लीज़ कृपया क्षमा कीजिए, गॉड ब्लेस यू यानी ईश्वर आपको आशीष दे, मे यू लिव लॉन्ग यानी कि हमें किसी को
धोआ देना, ठीक है। पार्डन मी प्लीज़, क्षमा कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे खेद दीजिए, यानी मुझे माफ़ करिए, खेद मतलब माफ़ करना। थैंक्स या थैंक्स, थैंक यू, आपका धन्यवाद। वेलकम, स्वागत, स्वागतम यानी आपका स्वागत है, और यू आर वेलकम यानी कि उसके जवाब में हम क्या कहेंगे, थैंक यू के उत्तर में कहेंगे यू आर वेलकम, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, एथिक। अब इसी से रिलेटेड हमें यहाँ दो क्वेश्चन भी मैंने, ईजी है, मैं इसलिए इसको बता रही हूँ, अगर अब भी क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियो को दोबारा से पीछे जाकर बैठ जाकर देख सकते हैं। दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, पेज सेम पेज नंबर, पेज नंबर 6 पर ही, ठीक है। ए है इसमें व्हाट शुड यू से, अब हमें बताना है कि ये आपको कुछ वक्त दिया है, समय दिया है, ये आपको बताना है कि इस वक्त आप क्या कहेंगे। सुबह 9 बजे मिलते वक्त, तो सुबह के 9 बजे हम क्या कहेंगे, मैंने अभी ऊपर स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, हम क्या कहेंगे रात के 12 बजे से गुड मॉर्निंग, कब तक, दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा, गुड मॉर्निंग। दोपहर मिलते वक्त गुड नून, दोपहर यानी कि दोपहर या 12 बजे के बाद। रात्रि सोते वक्त यानी सोते वक्त गुड नाइट, विदा लेते वक्त विदा लेते समय गुड बाय या फिर बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट है इसमें, व्हाट डू यू से ऑन समवंस बर्थडे, कह रहे किसी का बर्थडे होगा तो आप क्या कहेंगे, हैप्पी बर्थडे। ऑन 1st of January यानी कि 1st of January को आप क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल है। ऑन अंग्रेजी कैलेंडर से, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर से, उर्दू कैलेंडर से नहीं। ऑन समवन सक्सेस, कोई अगर सक्सेस किसी को मिल रही है, कोई तरक्की हासिल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको बधाई देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग अगर आपको क्लियर ना हो रही हो तो यहाँ पर ये लिखिए, ठीक है। वैसे ये सभी स्पेलिंग्स ऊपर लिखी है, तो आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में 4 चैप्टर्स कंप्लीट कवर करे हैं अपने। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कॉपी में भी वर्क करेंगे, तो कॉपी में वर्क करने के लिए सभी लोग आपकी कॉपी आएगी, ग्रामर की कॉपी भी आई होगी, आप सभी लोग अपनी कॉपी को ओपन करिए। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिर कॉपी में वर्क करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी कॉपी है, यहाँ नेम लिख लीजिएगा सभी लोग, क्लास यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर का सिर्फ जी बना लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि रीडर से मिक्स ना हो। 1 पेज लीव करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है लेसन नंबर 1, सॉरी पार्ट नंबर 1। सबसे पहले डेट शो करेंगे, जब भी वीडियो अपलोड हो रही है पार्ट नंबर 1 लिखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपना लेसन नंबर 4, ठीक है। लेसन देखिए, लेसन नंबर 1 जो था पार्ट नंबर 4 में, हमने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक पढ़ा है। लेसन नंबर 1 जो हमारा पेज नंबर 3 पर था, यहाँ पर सभी लोग को देख सकते हैं, पेज नंबर 3 पर लेसन 1 था रिलेशंस, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें वो है लेसन नंबर 2, देखिए पेज नंबर आ जाइए पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर लेसन नंबर 2 है पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये भी हम लोगों ने इसमें ही क्लियर कर लिया है, यहाँ बुक से ही आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर 5 पर लेसन नंबर 3 सीजन मंथ डेज और टाइम, ये भी आप लोग बुक से ही लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को लेसन नंबर 4 करा रही हूँ, पेज नंबर यहाँ आ जाएगी पेज नंबर 6 पर। ऐसा नहीं है कि वो तीनों चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट पढ़ने नहीं है, लेकिन कॉपी में सिर्फ वही करना है जो मैं काम करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 6 पर आ जाइए, लेसन नंबर 4 है ग्रीटिंग्स कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एथिक वर्ड्स। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पार्ट डेट शो करेंगे अपनी, पार्ट नंबर 1 डालेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम लोग लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं, क्या नेम है, पेन से करना है आप लोगों को सभी को वर्ड, ठीक है। ग्रीटिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एथिक वर्ड्स दिवर्स, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को देखिए ग्रीटिंग वर्ड्स लिखने हैं, मैंने जैसे कॉपी में वर्क करा है एज इट इज़ करना है आपको। ग्रीटिंग वर्ड्स कौन कौन से थे, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय या बाय बाय, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ कॉन्ग्रेचुलेटिंग वर्ड्स करवाए हैं आपको, बेस्ट विशेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट ऑफ लक यानी बधाई, बेस्ट ऑफ लक, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, ये आप लोगों को कुछ कॉन्ग्रेचुलेटिंग वर्ड्स हैं, यानी कि बधाई जब देते हैं तो हम ये देते हैं, ये वर्ड्स बोलते हैं। एथिक वर्ड्स में क्या क्या है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, पैरडन मी प्लीज़ यानी मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, थैंक्स या थैंक यू, वेलकम या यू आर वेलकम। देखिए वेलकम और यू आर वेलकम जो आपका साथ में था यहाँ पर सेम पेज नंबर 6 पर, वेलकम और यू आर वेलकम, तो वो मैंने अलग अलग इसमें कर दिया है, वेलकम और यू आर वेलकम, ठीक है। आर नहीं है यहाँ पर, यू वाई ओ यू, यू आर 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 वेलकम, डब्ल्यू ई एल वेल सी ओ एम ई, यहाँ पर एम ई भी है, ठीक है, अगर नहीं क्लियर नज़र आ रहा हो तो ये क्या हो गया, वेलकम, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोगों का क्या कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4, यही वर्क हम लोगों ने देखिए यहाँ पर लेसन नंबर 1 पढ़ा है रिलेशंस,
पेज नंबर 3 पर पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 पढ़ा है रिलेशन। पेज नंबर 4 पर हमने पार्ट नंबर 1 में ही लेसन नंबर 2 पढ़ा है, 2 पढ़ा है पार्ट्स ऑफ बॉडी। पेज नंबर 5 पर लेसन नंबर 3 में सीजन, मंथ, डेज एंड टाइम। और पेज नंबर 6 पर लेसन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया है ग्रीटिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एटिक वर्ड्स। ये 4 चैप्टर जो है हमने बुक में कंप्लीट करे हैं। इसके बाद कॉपी में सिर्फ मैंने आपको जितना वर्क करवाया है वही करना है, डेट शो करनी है, एज इट इज़ आपको इसको वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करवाया है मैंने इसमें, पार्ट नंबर 1 लेसन 4 डाला है यहाँ पर ग्रीटिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एटिक वर्ड्स। कॉपी में जो वर्क करवाया है वो मैंने सिर्फ लेसन 4 करवाया आपको, लेसन 1, 2, 3 जो है वो आप लोग को बुक में ही करना है। और लेसन नंबर 4 जो जैसे मैंने बुक में करवाया सेम एज इट इज़ आपको करना ही है। और पेज नंबर 4 पर यहाँ चेक करिए, पेज नंबर 4 में यहाँ लेसन नंबर 2 है पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसमें मैंने ये आपको होमवर्क दिया है, ये आप लोग प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे मैंने चीक का बता दिया है, गाल, फिंगर हमें बताना है कि हम फिंगर को, फिंगर जो है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो फिंगर हमारी क्या कहलाती है, अंगुली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।